জোরে বলবেন, সোনাঝুরি হাট। হ্যাঁ, সোনাঝুরি হাট, সোনাঝুরি হাট, বোলপুর, বোলপুর। আচ্ছা, তোমার নামটা বলো। রাজু মন্ডল। রাজু, আর ফোন নম্বরটা আস্তে আস্তে বলো। হ্যাঁ, ফোন নম্বর আস্তে আস্তে বলো। 97 হ্যাঁ 32 হ্যাঁ 20 39 30। আচ্ছা, आपको ये जगह जगह पे दुर्गा पूजा हमने इनको शायद देखा है, वो दमदम पार्क में हमने शायद इनको देखा है। अच्छा, तो ये सब हैंड मैन्युफैक्चरिंग का काम है। और अगर आपको बोलपुर, अगर आप कोलकाता के बोलपुर भी एक जगह है, अगर वहाँ जाना चाहते हैं, कोलकाता लोगों को तो पता है, तो ये हैंड मैन्युफैक्चरिंग का काम आप उनसे संपर्क करके ले जा सकते हैं। শিশু দিবস উপলক্ষে आपको हमने 12 साल में बद्रीनाथ टेम्पल दिखाया, पंडाल दिखाया था यहाँ पे मध्यम ग्राम के ब्रिज के नीचे। देखिए ऊपर ब्रिज है, ब्रिज के ठीक नीचे आपको कैलाश नाथ दिखाई देंगे। सॉरी दोस्तों, ये कैलाश नहीं, केदारनाथ है। केदारनाथ, केदारनाथ बना हुआ है, देखिए जल्दी जाइए, भीड़ बहुत है। Thank you.
पहाड़ बनाया गया है, देखिए कितना नेचुरल बनाया है। देखिए किस तरीके से सुंदर सा बनाया गया है, बिल्कुल हूबहू बना दिया है, बिल्कुल कोई भी नहीं कह सकता है ये केदारनाथ नहीं है। ये सबको क्ले मट्टी वगैरह से और व्हाइट पेंट, ग्रे पेंट, ये सब चीजों से बनाया गया है। देखिए कितना सुंदर बनाया है, मतलब देखिए कोई धो रहा है नहीं है, देखिए कितना सुंदर बनाया है। এটা লাস্ট দিন কত অবধি খোলা আছে, মানে লাস্ট কত? আচ্ছা তাহলে ওদের নিচে তিন দিন করতে হবে। বহুত হি খুবসুরত, বিলকুল ন্যাচুরাল বিউটি। অন্দর যো হ্যায় বাবা জি লোগো কো বেঠায়া গয়া হ্যায়, জেসে কি মতলব কেদারনাথ মে হ্যায়, সেম হু বা হু ওয়েসে হি বানায়া হ্যায়। কোই ভি নাহি বাতা সকতে হ্যায় কি ইয়ে हाथ का बना हुआ है, मतलब ये पेंट और पंडाल है, ये कोई भी नहीं बता सकता है। देखिए कितना सुंदर बनाया है, काफी सुंदर। देखिए कोई नहीं बता सकता है, इतना अच्छा बनाया है। आइए दिखाएं माँ काली, माता रानी काली जी, ये देखिए माता रानी काली जी। और ये जो है आपको हर पंडाल में छोटा मूर्ति मिलेगा इस तरीके से, कुछ में नहीं भी है, ये डेली का डेली पूजा किया जाता है। पंडाल इस तरीके से काम किया गया है। हम पता करके आपको हम बता रहे हैं ये लास्ट कब विसर्जन है, करेक्ट बताना चाहिए।
पंडाल जो है 10-12 दिन रहेगा, तो कोई देखना चाहे तो देख सकते हैं। और जो छोटी काली माई है, देवी काली माई, तो वो जो है बुधवार वाले दिन को विसर्जन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। हमने टाइम भी बता दिया है, 10-12 दिन पंडाल रहेगा। आप जो तो मेन कोलकाता से आते हैं तो आप आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग हर चीज स्वस्थ रहे, सबको नमस्ते, सब लोग अच्छा पूजा करिए।